जाओ उसी में बंद रहो, जाओ गाड़ी देखने आए हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वहाँ पे बैठ के दिखाओ, बैठो बैठो। यही सब करने आए हो मम्मी के साथ आज? आओगे स्कूल पे कल से? आओगे कि नहीं? आएंगे ना, ठीक है। तो दोस्तों हम स्कूल पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे ढेर सारी वैन लगी है, आप लोग पीछे भी देख सकते हैं और साइड में भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो आरुष देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, इनको गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, चाहे मोबाइल में देखें चाहे रियल में। तो आइए आकर बैठे हैं, ये इधर देखिए, ज्यादा सब गाड़ियां लगी हुई हैं, ये देखिए पूरा लाइन से वैन लगी है और इधर पीछे भी लगी है, ये देखिए। नहीं निखे, हम स्कूल पे आ गए दोस्तों, अब जा रहे हैं, जिस काम के लिए आए थे वही काम करेंगे, उसके बाद आप लोगों से बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हम फिर शुरू कर दिए हैं सुबह सुबह ही आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, मैं आज कहीं जा रही हूँ तो आप लोगों को भी ब्लॉग में दिखाऊंगी। बच्चों के स्कूल पे जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा काम है तो वहीं पे जा रहे हैं बच्चों के लिए, मतलब कोई जरूरी काम है तो आप लोगों को वहां पे चल के कंटिन्यू बताते हैं किस काम के लिए है। और उस भी जा रहे हैं हमारे साथ, चल रहे बेटा? तो चलिए, हम तो लेट हो रहे हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। आज आरुष भी हमारे साथ आए हैं दोस्तों, ये देखिए आरुष भी जा रहे हैं अपने भैया जी का स्कूल देखने। स्कूल पे आ गए हैं दोस्तों, ये देखिए, ये रहा स्कूल दोस्तों, अभी एंट्री करने वाले हैं। इधर आरुष है, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे देखो भैया, कितना सारे भैया है ना, नहीं आओगे पढ़ने? नमस्ते मैम, आकांक्षा। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, जो भी काम था स्कूल का आप लोगों ने देखा, मैं स्कूल पे गई थी, बाबू भी साथ में था, तो वहाँ का काम तो हो गया है। तो फिलहाल अभी मैं दोपहर में आई हूँ, आप लोगों को पता होगा जो लोग लाइव में जुड़े थे, तो लाइव आई थी, ज़्यादा देर नहीं थी, बस ऐसे ही 20-22 मिनट थे और उसके बाद लाइव को बंद कर दिए, उसके बाद सो गई। मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है और तबीयत ठीक नहीं लग रही है दोस्तों। इधर आरुष हैं, आरुष भी बोल रहे हैं कि मैं भी थक गया, तो थोड़ा दूर पैदल ही जाना पड़ता है, पैदल ही चलने में थोड़ी परेशानी होती है और बेबी को भी साथ लेकर चलो तो और परेशानी होती है, तो इसीलिए। बाबू तो गोद में था फिर भी इसका पता नहीं क्यों बोल रहा है दर्द कर रहा है पैर, तो यही सब दिक्कत होती है दोस्तों जब हस्बैंड जी साथ में नहीं रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले घूमूं, क्योंकि पैदल चलना पड़ता है, सारी चीजें हैं कि मतलब हस्बैंड जी के रहने पे कोई और ही बात होती है, सेफ्टी भी रहती है और फिर अच्छा भी लगता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि बाइक रहते हुए घर पे पैदल जाना पड़ा थोड़ी दूर तक, उसके बाद ऑटो मिला था तो ऑटो में बैठ के गए हैं,
उसके बाद फिर दूसरी जगह पे चेंज किए हैं, तो ऐसे ही दौड़ा भागी करना पड़ता है। अभी अगर वो मतलब हस्बैंड जी होते तो स्कूल तक जाने को हमको रहता ही नहीं, स्कूल में हमको नहीं, बस वही चले जाते तो मेरी छुट्टी हो जाती। तो ना रहने का कारण बहुत सारी हैं, तो आप लोगों को क्या क्या बताऊं। क्या कर रहे हो, मोबाइल क्यों उतार रहे हो बेटा? 6:40, ठीक है, टाइम हो रहा है, रख दो, अभी खाना बना लेंगे। तो बाबू टाइम बता रहा है कि मम्मी इतना टाइम हो गया है, तो क्योंकि मैं सारा काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। देखिए वहाँ से चार्जिंग उतारा है, तुरंत चार्जिंग उतार कर तुरंत वहाँ पे फिर रख रहा है। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो अभी देखते हैं क्या बनाती हूँ। धूप भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा था आज, मुझे लगता है कि धूप ही लगी है। मैं जल्दी दिन में नहीं सोती हूँ, जब तबीयत खराब थोड़ी सी डाउन रहती है तभी मैं सोती हूँ। तो आज मुझे शाम से ही कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो ऐसे ही सो गई थी। और सुबह मैं गिर भी गई थी, ऐसे ही चल रही थी ना, तो ईंट था, ईंट बजा के गिर गई थी, चप्पल मेरा स्लिप खा गया। नहीं हल्ला नहीं करो बेटा, जाओ देखो, जाओ देखो दीदी कहाँ है, बुला खिलाओ। तो बच्चे को नहलाए हैं, बर्तन भी धुले हैं, झाड़ू पोछा किए हैं। तो अभी आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और भी आप लोगों को कुछ दिखाना है। हमारी चाची जी ने एक पौधा लगाया है, वो कौन सा पौधा है, इसमें क्या, हाँ चाची जी वो क्या चीज़ है आप लोग जरूर बताइएगा। वो चीज़ कौन कौन लोग खाए हैं। नहीं हल्ला नहीं करो प्लीज, हल्ला नहीं करो, साइलेंट रहो। जो लोग पहचानते होंगे और जो लोग खाए होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इनका तो बस यही काम है, दिन भर पता नहीं कितनी बार किसी करता है। इसको कोई भी बात बोलो तो बोलता थैंक यू मम्मी, ओके मम्मी, बाय मम्मी, बस सारा दिन यही करता रहता है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पे वो पौधा लगा है, तो आप लोग बने रहिए। ऐसे ही मजाक मजाक में बात हो रही थी, तो पूछ रही थी कि आप अपने अपने फैमिली से, अपने यूट्यूब फैमिली से पूछिएगा कि ये चीज़ क्या है। फैन को बंद कर दूँ एक मिनट, बोल रही थी पूछिएगा कि क्या चीज़ है ये, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कितने लोग नहीं। तो शाम हो गई है बिल्कुल, खाना बनाने का टाइम हो गया है, हम आप लोग बताइएगा जरूर। मेरा घर है, इसी में मेरी मम्मी रह रही है। तो दोस्तों यही सब चीज आप लोग देख लीजिए, क्या चीज है ये, इधर दिखा बेटा, कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों ये क्या है। ये वाला अभी उधर पीछे भी है। सांप लग रही है मुझे। अच्छा लग रहा है। वो फाइनल उसका यही वो पौधा है जिसमें फल लगा है, आप लोगों को दिखाया है ब्लॉग में, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सी सब्जी है। चाची हमारी देखिए कितना सब्जी लगाई है, ये भी सब्जी का ही पेड़ है, इतना बड़ा हो गया है, देखिए मुझसे 2-3 गुना है। उधर लौकी की वो खाया है, बहुत ही ज्यादा सब्जी भी मतलब पौधा लगाए हैं। आप लोग बताइएगा ये किस चीज का सब्जी है, ये सब्जी का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार और दिखा दो के लिए, यही सब्जी आप लोग जरूर बताएगा। जो लोग जानते होंगे वो लोग लाल दिल भेजिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं काला दिल भेजिएगा। तो सब्जी है दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। और चलिए आप लोगों को ब्लॉग को यही एंड करते हैं, खाना पीना जा रहे हैं बनाने, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।